ये गाइस रीडिंग मैं प्रीवियस रीडिंग से कंटिन्यू कर रही हूँ। ये दो मैसेजेस हमें रिसीव हुआ था जो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, राइट। आई एम अफ्रेड ऑफ यू एंड बुलिंग, ठीक है। किसी को ज़बरदस्ती तंग करना टू द पॉइंट उन्हें मेंटली इमोशनली हैरेसमेंट हो, राइट, बुलिंग। एंड ये कोई है जिसे डर लगता है इस पर्सन से, प्रॉब्ली अपने जिन्होंने उन्हें बुली किया है उनसे उन्हें डर लगता है, राइट। एंड विल शफल सम कार्ड्स कि ये क्या मैसेज है, ठीक है। हु इज बुलिंग, ये बुली कौन है, दिस पर्सन हु इज बुलिंग। कि कौन है जो बुली करते हैं या कर चुके हैं, इज अ फेक डिवाइन फेमिनिन हाई प्रिस्टेस रिवर्स्ड, अ फेक पर्सन, ठीक है, जो बुली करते हैं। नॉट फीलिंग दिस कार्ड्स। यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल एंड होगा, तो इट्स लाइक जिन्होंने भी ये बुलिंग किया है, राइट, उसके साथ एक कार्मिक साइकिल क्लोज डाउन होते ही आपके पर्सन का फॉर्चून ओपन होगा। ये आप भी हो सकते हो जिसको बुली किया गया था, या राइट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, आपकी रातों की नींद उड़ गई थी, ठीक है। आपकी स्पीड को आपके प्रोग्रेस स्पीड को कम करने की कोशिश किया गया है इस पर्सन ने। इट्स आई एम हियरिंग लिटरली कि ये जो भी पर्सन है, ठीक है, द बुली, जिसने भी बुली किया है आपको, इट्स मोर लाइक ये जानबूझ के आपके कमरे में या आपके अलमारी में कुछ चीज़ें रख देते थे एंड इल्ज़ाम आप पे डाल दिया जाता था टू द पॉइंट कि शायद आपको पूछा भी नहीं जाता था या आपको अपनी बात पूरी भी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी एंड एकदम से आपको सज़ा मिल जाता था ऐसे काम के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं है, राइट। तो बुली यहाँ पर कौन करे, गिव मी अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज कि ये कौन है। इट्स अ थीफ, ये जो आपको बुली करते थे, दिस पर्सन इज़ अ थीफ। इसे लोगों की चीज़ों को चुरा करके भागना पसंद है। इट्स लाइक वो चीज़ों को लेकर कर भागते थे और आप पर इल्ज़ाम डाल देते थे, राइट। इट्स अ फादर फिगर, दिस इज़ अ फादर, या लिसन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अपने फादर से बहुत प्यार करते होंगे, पर उनका फादर उनसे प्यार नहीं करते हैं। ही इज़ अ बुली, ही इज़ अ थीफ, ठीक है। इट्स लाइक वो जानबूझ के आपके पर्सन को परेशान करते थे, उनके आत्मविश्वास को चोट पहुँचाने के लिए। आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन उनसे बेहतर इंसान है, ठीक है। योर पर्सन इज़ अ बेटर ह्यूमन बींग, मे बी अ मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है ना। इसे आपके पर्सन का जो भी फादर फिगर हो सकते हैं, समबडी हुज़ फादर लाइक एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, जो फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने की पोजिशन, वो वाइब फादरली वाइब देते हैं, या उनका एक्चुअल फादर हो सकते हैं जो इसलिए उन्हें पता था कि आपका पर्सन उनसे बेहतर है। दे वेरी जेलिस, आई एम हियरिंग दे वेरी जेलिस। वो लिटरली लिसन, आपका पर्सन इज़ अ चोजन वन जस्ट लाइक यू, राइट। उन्हें पता था कि स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पे आपका पर्सन आगे चल के उनकी अवेकनिंग होगी एंड दैट यू आर देयर क्वीन, ठीक है, एंड क्वीन और किंग, और वो आगे चल कर के एक स्पिरिचुअल हाई पोजिशन में पहुँचेंगे। दे विल बी अनॉइंटेड उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एंड ये पर्सन उनकी जगह लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें वो जगह मिले, बट देन ही सकती, ठीक है, उन्हें ये जगह नहीं मिल सकता क्योंकि उनका दिल काला है, ठीक है। तो इसलिए दिस पर्सन इज़ मोर लाइक, अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो मैं इसका भी होने नहीं दूँगा,
और इसलिए आपके पर्सन को ये बुली करते थे ज़बरदस्ती का, ताकि आपके पर्सन का दिल टूट जाए, वो अब्यूज्ड हो, ठीक है, उनका आत्मसम्मान को चोट पहुँचे। तो हु इज़ अफ्रेड कि आपके पर्सन को इस आदमी से डर लगता है, या फिर ये आदमी इस वक्त डर रहा है क्योंकि उसको उसका कारमा मिलेगा। लेकिन इस आदमी में लिटरली आपके पर्सन को एक फॉल्स कनेक्शन में बांध दिया है, उसने लिटरली आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है उसके डिसीशंस को घुमाने के लिए कि मुझे तेरे लिए बेहतर पता है। यू नो, वो नार्सिसिस्ट नहीं होते जो जानबूझ के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते और फिर खुद ही पहुंच जाते ये शो करने के लिए, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारा हीरो हूँ, ये तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आपके पर्सन जिसके साथ है दैट्स अ सोलमेट, ठीक है, बट देन उन्हें ये बताया गया था कि नहीं ये तुम्हारा ट्विन है, बट दैट्स अ पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन। एंड उनका इस कनेक्शन में जाना भी इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि आपके पर्सन का इट्स लाइक उनका एक कार्मिक डेप्थ भी वहाँ पर था। तो इट्स लाइक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वो इस कनेक्शन में गए हैं, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट इट्स अ फॉल्स सिचुएशन। पर वो डर किससे रहे हैं, हुआ दे अफ्रेड ऑफ। जस्टिस, दे आर अफ्रेड कि बहुत जल्द यहाँ पर जस्टिस थ्रो किया जाएगा। जस्टिस रिवर्स्ड है, उन्हें पता है। लिसन, दिस फादर, दिस कार्मिक फादर, इन्हें पता है कि उन्होंने जो किया है वो जस्टिस नहीं था, वो अच्छी बात नहीं थी, दिट वॉज रॉन्ग। उन्होंने इनजस्टिस किया है आपके पर्सन के साथ और उन्हें इस बात का गिल्ट सता रहा है। दिस पर्सन, ये बुली है जिसको अब डर लग रहा है कि उन्होंने खुद अपने टॉक्सिसिटी में, अपने यू नो लैक मेंटालिटी में उन्होंने अपने बेटे के साथ ऐसे किया है। ये कोई बेटी भी हो सकती, बट दिस इज़ मोर एम्फोसिस ऑन द मैस्कुलिन्स, लाइक फादर सन का रिलेशनशिप है यहाँ पर। लाइक आपका पर्सन को मैनिपुलेट भी किया गया होगा कि उनसे झूठ बुलवाया जाए। इट्स लाइक उनके सोल को एक्टिवली टेंट करने की कोशिश की गई थी। कुछ वक्त पहले मैंने एक रीडिंग किया था जहाँ पर इस फैमिली डायनामिक में एक लेट मी टेल यू अबाउट योर पर्सन वाला एक वीडियो में मैंने कहा था कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। इट्स लाइक वो एक पेरेंट को चीट करते हुए देख रहे थे, उन्हें भी वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं, और अपने अदर पेरेंट को भी वो कुछ नहीं बता पा रहे थे क्योंकि वो उन्हें भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पापा को या मम्मी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो फैमिली स्प्लिट हो जाएगी, और वो दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहते थे। और वो गिल्ट में जी रहे थे जहाँ पर वो सच बोल भी नहीं पा रहे थे एंड अपने अंदर छुपा भी नहीं पा रहे थे। दे वर फीलिंग गिल्टी ऑन द इंटायर सिचुएशन। तो ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर भी प्ले हुआ होगा जहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ देखा, कुछ सुना, प्रॉब्ली उन्होंने अपने फादर को किसी के घर से कुछ चुराते हुए देखा और वो ला करके अपने बेटे के कमरे में उसको छुपाया था। तो आपके पर्सन को पता था कि उसके फादर ने ये चुराया है, पर वो इसको कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बोलेगा तो उसका फादर पकड़ा जाएगा, राइट? या एट ऑफ सॉर्ड्स एंड इट्स रिवर्स्ड। वो फाइनली इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सेइंग कि नहीं, मैं आपका और साथ नहीं दे सकता, आई कांट डू इट, मैं आपके लिए और कवर नहीं कर सकता, मैं हमेशा आपको बचाते नहीं फिर सकता, आई जस्ट कांट डू इट। आपको बचाने के चक्कर में मैंने अपने ट्रू कनेक्शन को खो दिया, एक फॉल्स रिलेशनशिप में आ गया, बट देर इज़ बट किसी भी हालत में आप बाज नहीं आते हो अपने हरकतों से, आपके वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। योर पर्सन इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग एंड दे आर लाइक नहीं, मुझसे और नहीं होगा, आई कांट। कंटिन्यूसली वो देख पा रहे कि गलत लोगों का साथ देने के चक्कर में उनका सोल कैसे टेंट हो रहा है। आपका पर्सन इज़ वेरी इमोशनल बाय द वे, आई हैव टू से दिस,
विद द एस ऑफ कप्स हियर, आपका पर्सन बहुत बहुत इमोशनल है, लाइक उनका बहुत इमोशनल अटैचमेंट है अपने इस फादर फिगर के साथ, प्रॉब्ली बिकॉज वो सिंगल पेरेंट है और उन्हें खोना नहीं चाहते और इसलिए वो मजबूरन वो साथ दे रहे, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ये जो फादर है इट्स अ कार्मिक और वो उन्हें इतनी भी फिक्र नहीं है अपने बच्चे की कि वो जो ये सब कुछ कर रहे इससे उसका सोल टेंट हो रहा है, उसकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी या वो ईश्वर से दूर हो जाएगा या फिर उसका अनॉइंटमेंट होते होते रह जाएगा, वो अपने सोल पाथ से डिविएट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या आगे चल के डार्क नाइट ऑफ द सोल में शायद उसको माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उसका सोल इस तरीके से टेंटेड हो जाए, वो प्यार से दूर हो जा रहा है, वो रियलिटी से दूर हो जा रहा है, ठीक है। सो आपका पर्सन लिटरली ये फील कर रहा है कि ये पर्सन बहुत बहुत टॉक्सिक है एंड उन्हें प्रॉब्ली जानबूझ के उनके सोल को टेंट करने की कोशिश की गई है ताकि उनका अनॉइंटमेंट ना हो पाए, एंड दिस फादर फिगर हैज़ डन इट पर्पसली, जानबूझ के गलत इंसान के साथ उन्हें बांध दिया ताकि वो अपने डिवाइन फेमिनिन से दूर हो जाए। लेट्स जस्ट सी कि ये कार्मिक सिचुएशन का और क्या मैसेज है। या वी हैव द सन रिवर्स्ड, इट्स कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस है वहाँ पर, उनका चाइल्डहुड वूंडिंग हील नहीं हुआ है, देर इज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट आई एम हियरिंग, थ्रोट चाक्रा इशू, शायद आपके पर्सन को बार बार करके सर्दी लगता है, उनको सर्दी लगने का सर दर्द में, सर में थोड़ा यहाँ पर पेन हो रहा है तो उनका सर में दर्द होना इट्स एन एक्टिव थिंग बिकॉज उनका क्राउन चाक्रा बार बार करके बंद हो जाता है एंड वो अपने आप से झूठ बोलते या दूसरों से झूठ बोलते अपने फादर को बचाने के लिए, एंड इट्स लाइक अगर आपका पर्सन एक्टिवली खुद भी अगर कुछ गलत काम नहीं भी करते पर फिर भी गलत का साथ देने के लिए उनका हालत करना वाला हो गया है, एंड यहाँ पर अपने फादर को सपोर्ट करते 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 उनका सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन को खो चुके हैं, दे गॉट इन टू अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स, एक फॉल्स ट्विन कनेक्शन में वो एंटर कर चुके हैं, राइट। और जहाँ पर इट्स कंप्लीट डार्कनेस, ऑल टॉक्सिक पीपल ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, बट देन आपका पर्सन ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, सेइंग कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या नतीजा होगा, कि आगे चल के ये कहाँ तक मुझे लेकर के जाएगा, बट आई स्टिल वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी हियर, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को लेकर के उन्होंने सोचा, लाइक दे वर कॉन्टेम्प्लेटिंग, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये बेटे होने का जो मेरा जिम्मेदारी है, जो फ़र्ज़ है, क्या मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ एंड ऑल, सो दे लिटरली हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन उनके सोल के साथ डिवाइन का जो कनेक्शन है, लाइक जो हमारा परम पिता है उन्होंने और ये फिजिकल रेड में थर्ड डायमेंशन का ये जो फादर है उनके बीच में उन्हें लिटरली चुनाव करना पड़ा, दे हैड टू कम टू दिस रियलाइजेशन कि उनका रियल हितेशी कौन है और कौन उन्हें भ्रम में डाल रहे थे, दे केम आउट ऑफ दिस हर्मिट पोजिशन जहाँ पर दे कम टू दिस रियलाइजेशन कि जो इंसान खुद भ्रम में फंसा हुआ वो उन्हें लाइट कैसे शो कर सकते हैं, राइट। देर आर लॉट ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग जो आपके पर्सन को मिला है इस सिचुएशन से, ठीक है ना। पहले आपका पर्सन चीज़ों को देखना नहीं चाहते थे, ठीक है ना, बट नाउ दे आर लाइक आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट मोशन एंड मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे हमारे डिसीशंस हमारे ज़िंदगी को मोल्ड करता है एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू रिपीट दिस, आई डू वॉन्ट टू रिपीट इट, तो दे वॉन्ट टू ब्रेक दोज चेन्स एंड दोज साइकिल्स, या लेकिन आपका पर्सन को हो सकता है इस कार्मिक फादर को छोड़ते वक्त अपना सारा फाइनेंस छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, लाइक दे हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए उन्हें लिटरली कुछ समय किसी पार्क के बेंच में या किसी फ्रेंड के यहाँ पे या कहीं और उन्हें बिताने की ज़रूरत पड़ जाए, एंड ऐसे में
उन्हें और लोगों की सच्चाई समझ में आएगी कि कैसे लोग खुदगर्ज हैं या फिर उनका फादर कैसे जानबूझ के उनके लिए और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनके पास रहे, तो वो जानबूझ के ऐसे ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे कि मेरे बेटे को कोई नौकरी मत देना, या फैमिली में ये बात फैला देंगे कि कोई उसको हेल्प मत करना। सबको लगेगा कि यू नो ये फादर अपने बेटे को वापस पाने की कोशिश में ये सब कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग इज कि उसका बेटा, बेटे का जो सोल है, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का जो सोल है, डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है, माइट बी अ डिवाइन फेमिनिन जो मैस्कुलिन बॉडी में है, ठीक है ना, कंसिडरिंग दोज इमोशंस। तो इट्स लाइक, पर किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये फादर खुद कैसे अपने बेटे के सोल को टेंट कर रहा है। खुद तो पापी है ही, अपने बेटे को भी अपने साथ घसीटता हुआ यू नो पाताल लोग लेकर के जाने का इंतज़ाम कर रहा है, एंड दे आर वेरी मच फेलिंग इन दिस सिचुएशन। देर इज़ नो विक्ट्री, क्योंकि आपका पर्सन इज़ वेरी डिटरमाइंड, ठीक है ना। वो अपने एनर्जी को जैसे जैसे उनके लिए और मुश्किल खड़े किए जा रहे हैं ना, ये फादर खुद ही अपने लिए बम्बू कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उतना आपके पर्सन को इस बात की क्लैरिटी मिल रही है कि अब तक ये पर्सन अपनी रियलिटी कितना हद तक छुपा करके रखे हुए थे। लाइक सामने से ये अच्छा पिता बन रहे थे एंड पीठ पीछे वार कर रहे थे। इट्स बिकमिंग मोर क्लियर टू योर पर्सन कि ये इज वेरी टॉक्सिक एंड नोबडी कैन हेल्प दिस पर्सन का, क्योंकि वो खुद हेल्प लेना नहीं चाहते। ही हैज़ जस्ट चोजन हिज पार्ट टू बी अ कार्मिक, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक आपका पर्सन इस वक्त भाग रहे अपने सोल को बचाने के लिए, अपने अंदर की डिविनिटी को बचाने के लिए, कि मुझे यहाँ से प्लीज़ रिमूव करो, सम हाउ आई नीड टू एस्केप दिस सिचुएशन ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ, राइट। तो अब तक आपके पर्सन को लगता होगा जो उन्हें रिसीव हो रहा है वो प्यार है, बट दैट्स नॉट लव, दैट्स कंडीशनिंग, दैट्स एवरीथिंग बट लव। प्यार के नाम पे यहाँ पर बहुत गलत हो रहा था, या एंड आपके पर्सन को गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन को पॉसिबिलिटीज़ दिख भी रहे हैं। तो इट्स लाइक अगर उन्हें एक दो महीना अगर समहाउ किसी फ्रेंड के पास रहना पड़ जाए या थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाए, फिर भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, एंड ऑफ द डे वी आर मैनिफेस्टर्स, राइट। एंड जब कोई खुद अपने सोल को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को सेव करते हुए ईश्वर के पथ पे चलता है ना, ऑटोमेटिकली ईश्वर अपने दूत को भेज देते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके। हाँ, स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है ना, बट साथ ही साथ धीरे 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 लेसन सीखते 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 वो उन्हें पूरी तरीके से गिरने भी नहीं देते, उन्हें संभल मिलता रहता है, वो आगे बढ़ते रहते। तो आपके पर्सन को कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे, ठीक है ना, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। ऑनेस्टली आपके पर्सन के लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत अटैच्ड है अपने फादर के साथ। इट्स लाइक उनकी अवेकनिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक अपने उस पूरे हिस्से को पीछे छोड़ देना, उसे डिसॉल्व कर देना। एक्चुअली उसके फादर से उसका ईगो डेवलप, सी हमारे फादर से द सन, राइट, द सन एलिमेंट, मैस्कुलिन एलिमेंट से हमारा ईगो फॉर्म होता है, सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अपने टॉक्सिक फादर को पीछे छोड़ते वक्त उसका जो पूरा आइडेंटिटी है ना, वो पूरी तरीके से सैबोटाज हो जाएगा, लाइक ख़त्म हो जाएगा, ताकि वो परमात्मा के साथ उसका जो रियल, उसकी जो रियलिटी है ना सोल लेवल, उसका ह्यूमन सेल्फ डिजॉल्व होकर के उसका आध्यात्मिक साइड अवेकन होगा। एंड दैट्स अ डिफिकल्ट ट्रांजिशन, राइट, हम सब अवेकनिंग से जा चुके, वी नो हाउ इट इज़। तो उसका फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ जो उसके फादर से आया था, फॉल्स ईगो से आया था, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, राइट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, ठीक है ना। द लेटर पी माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका या आपके पर्सन का नाम पी से स्टार्ट होता होगा, पी एज इन प्रणय, ठीक है। वी हैव ब्रेक थ्रू, यस, योर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ सॉलिड ब्रेक थ्रू, अपने पूरे ईगो को डिसॉल्व कर देगा, सेइंग कि आई डोंट वांट दिस, लाइक फक इट, मुझे नहीं चाहिए, यू किडिंग मी,
या वी हैव ऑर्डिनरीनेस, आपका पर्सन कोई रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे जहाँ पर उन्हें चमकदार चीज़ें, यू नो, ईगो बेस्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आता होगा, एंड फाइनली दे आर रियलाइजिंग कि इसमें कुछ नहीं रखा है बिकॉज एट इज़ ऑल्सो द इन्फिनिट कार्ड. दे केम टू अ प्लेस जहाँ पर उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर की जो खालीपन है ना, वो खाली का खाली ही रह गया. दैट मिसिंग एलिमेंट लव इज मिसिंग. पैसे से प्यार की जगह को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, पर प्यार के रहते रहते बाकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया जा सकता है. या दिस इज़ अ वेरी मच ट्विन फ्लेम सिचुएशन बाबा. सी योर पर्सन इज गोइंग टू दैट एडवेंचर अपने सोल सर्चिंग पे, लाइक लिटरली पूरा ट्रांजिशन से वो गुजरेंगे. इट्स अ सॉलिड वन. वो एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी में जा करके अपने फेमिनिन साइड, अपने मैस्कुलिन साइड, दोनों साइड को उन्हें बैलेंस आउट करना है इस वक्त. एंड दैट्स व्हाट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स. वो जिंदगी को एक नए रंग में, एक नए रूप में देख रहे हैं. अ साइड जो उनसे छुपा हुआ था, जिन्हें जानना उन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा. ठीक है ना, प्रॉब्ली ये आपके मैस्कुलिन या आपके डिवाइन फेमिनिन को ऐसे एक एम्बियंस में रखा गया था जहाँ पर उनका ईगो उन्हें दूसरा साइड देखने नहीं देता था. दैट देयर इज मोर टू लाइफ देन जो उनके पास ऑलरेडी है, राइट. तो उसके फादर ने एक यू नो एक एम्बियंस क्रिएट किया होगा जिसको तोड़ के बाहर निकलना, वो माया को तोड़ के बाहर निकलना आपके पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट था. और वही उनका कार्मा है इस टाइम पे, उसको तोड़ के बाहर निकलना. ठीक है ना, एंड व्हेन आई सेड द फादर इज़ अ थीफ, ये उनका फादर इमोशनल थीफ हो सकता है क्योंकि वो अपने बेटे को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, लूट रहा है लिटरली अपने बेटे को, राइट. वो अपने वाइफ को चीट कर चुका होगा और सारे इल्ज़ाम अपनी वाइफ पे डाल दिया होगा, सेइंग कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई. सारे फेमिनिन्स ऐसे होते हैं, राइट. ये पर्सन एक्टिवली, आई लिटरली गॉट अ विजन ऑफ ये पर्सन अलमारी से कुछ निकाल के भाग रहा है. तो ये पर्सन लिटरली कोई थीफ हो सकता है, सेइंग कि शायद उसने किसी का पैसा, शायद अपनी वाइफ का पैसा चोरी करके लेकर, आपके पर्सन का जो मॉम है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की जो मदर है, उनका पैसा लूट करके ये आदमी भागा होगा और साथ में आपके आपके पर्सन को भी लेकर के भागा होगा. या पैसा ज़्यादा होने की वजह से शायद कस्टडी उन्हें ज़्यादा मिली होगी, लाइक कस्टडी उन्हें मिली होगी आपके पर्सन की. दिस पर्सन इज अ थीफ, झूठ बोलता है ये इंसान, ख्याली दुनिया पकाता है, लाइक लाइज अ लॉट, मिसगाइड करता है बहुत ज़्यादा. खुद से तो अपना रिश्ता संभाला नहीं किया, अपना चोरपंथी से अपनी बीवी को खो दिया और अपने बेटे के लाइफ से भी डिवाइन फेमिनिन को हटाने की कोशिश किया. बट विल दिस वर्क? इट कान, बिकॉज आपको पर्सन का ऑलरेडी अवेकनिंग हो गया, इज गोइंग थ्रू द ब्रेक थ्रू ऑलरेडी, राइट. लिसन, योर पर्सन वॉज वेरी लेजी, लेजी कार्ड रिवर्स्ड आया है. लाइक उसे आदत है कि लोग सब कोई उसके लिए कर दे. वो लोग नहीं होते हैं कि इनटाइटलमेंट में जीते हैं, सेइंग कि मुझे एक उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं ऐसे फेंकूँगा और मेरा काम हो जाएगा. तो घमंडी लोग नहीं होते हैं कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो, तो तुम यहाँ पर मेरा सेवा करने के लिए आए हो. योर पर्सन माइट हैव दैट एनर्जी इन देम. ये फॉल्स ईगो उसके फादर के एटीट्यूड से उसे मिला होगा. देयर इज़ अल्कोहलिज्म आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इस आदमी का हाथ में आई एम सीइंग दिस ग्लास. ठीक है ना, सो आपका पर्सन या आपके पर्सन का फादर बहुत ड्रिंक करते होंगे. इस लाइक वो अपने इमोशंस और अपने गिल्ट को लुप्त करने के लिए जानबूझ के वो शराब पीते हैं. एंड एक्चुअली में उन्हें खुद जो गलत किया वो किसी को बताते नहीं हैं, पर अपने रातों को नींद नहीं आता होगा उन्हें, यू नो, अपने गिल्टी कॉन्शियस की वजह से. एंड सो दिस पर्सन गेट्स स्ट्रांग.
अल्कोहलिक हो सकता है ये पर्सन, अडिक्शन हो सकता है इन पर्सन का। आई एम नॉट फीलिंग दिस कार्ड्स। एक आखिरी एडवाइस ऑन दिस रीडिंग, वन लास्ट। एक मैंने कहा था, नो आई एम गोना टू स्टिक वन। इतना सारा है। या वी हैव पार्टिसिपेशन। आपका पर्सन इस वक्त एलिमेंट्स को बैलेंस आउट करना सीख रहे, तो हाउ टू बैलेंस आउट, एंड दिस माइट ऑल्सो रिप्रेजेंट कि उनका लाइफ का हर एक हिस्सा, द इमोशन, माइंड, बॉडी, सोल, द इमोशनल बॉडी, हर एक चीज़ को बैलेंस आउट करना, एंड पांचों एलिमेंट्स के साथ। दिस इज़ नंबर फोर, दिस इज़ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये उनका या आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। देर इज़ नंबर नाइन, नंबर फोर, या आपका बर्थडे या लाइफ पाथ नंबर। आई एम गेटिंग मोर ऑफ लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ठीक है, वी हैव एट एंड वी हैव नंबर टू। ये आप लोग का आप लोग के लिए कुछ मायने रखता होगा ये नंबर्स। सो जो पांच एलिमेंट्स है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड ईथर, इन पांचों को लेकर के काम करना, कैसे बैलेंस आउट किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर वो अभी सीख रहे, दे आर लर्निंग एंड दे आर मैनिफेस्टिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, इनसाइड आउट उनका मैनिफेस्टेशन चल रहा है। या वी हैव द इनर वॉइस। फाइनली आपका पर्सन अपने इनर वॉइस को फॉलो करते हुए अपने लाइफ पाथ पर चल रहे हैं, बिकॉज आई सेड लाइफ पाथ, सो दिस इज़ मोर कनेक्टिंग टू इट, कि वो अपने लाइफ पाथ को फॉलो करने के लिए, अपने सोल पर्पज़ को फॉलो अप करने के लिए दे आर टेकिंग दीज नेसेसरी स्टेप्स। एक्टिवली वो फाइट कर रहे, चाहे अपना नार्सिसिस्टिक फादर हो, यू नो, कार्मिक फादर हो, मदर हो, जो भी हो, जिनके साथ भी उन्हें फाइट करना है, वो फाइट कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।